सो वेलकम टू द फ्रेंड्स। हम आ चुके हैं नई वीडियो लेकर, और आज का मैच है हमारा बेंगलोर और हैदराबाद के बीच में। पहला मैच है हमारे NPL ऑक्शन का के बाद का, इसीलिए हमारा ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। पहला मैच है तो हम पॉइंट्स टेबल में टॉप पे आ जाएंगे जीते मैच। तो चलिए, बेंगलोर ने यहाँ पर बैटिंग ली है टॉस जीत के, तो ये दोनों टीमों के आप देख सकते हैं कौन कौन प्लेयर हैं। तो आ चुके हैं ये हैदराबाद की टीम और ये दोनों बेंगलोर के ओपनर। ओपनर आ चुके हैं बेंगलोर के दोनों, इवेन ल्यूइस और साथ में है विराट कोहली। दोनों शुरू कर रहे हैं यहाँ पर मैच। ओपनर बैट्समैन फाइव है, चलिए शुरू फोर करते हैं मैच को। थ्री टू वन गो। भुवनेश्वर कुमार डाल रहे हैं पहला ओवर, स्कोर करना होगा पहले ओवर में, हमें एक बाउंड्री तो लगानी पड़ेगी। कोशिश, यहाँ पर पहला विकेट हो गया है बेंगलोर का। खुश है यहाँ पर हैदराबाद की टीम, बहुत बड़ा विकेट था। इवेन ल्यूस बिना किसी रन बनाए आउट हो गए हैं। एबी डिविलियर्स आ चुके हैं, हमारे टीम के कीपर और वाइस कैप्टन, स्टार 360। चौथी बॉल और 4 रन मिलेंगे शायद यहाँ पर, जी नहीं, 1 रन से संतुष्टि नहीं पड़ेगी। पृथ्वी शो, मनोज तिवारी, मोइन अली आने वाले हैं यहाँ पर। विकेट गिरा अगला, तो ये 4 रन बहुत ही बेहतरीन, विराट कोहली ने खाता खोला। और एक ओवर के बाद 5 रन जलबूड आए हैं बॉलिंग के लिए। ये हवाई फायरिंग, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर, मिस्टर 360। दो रन मिलेंगे, नॉट आउट, क्लियर नॉट आउट है ये तो। क्या इस बॉल पे बाउंड्री आएगी? कोशिश तो है और 6 रन मिलेंगे। इस बॉल पे भी कोशिश, 4 रन। फॉर्म में आज एबी डिविलियर्स, पहले ही मैच में झंडे गाड़ना चाहते हैं। दो ओवर के बाद तीसरा ओवर डालने आएंगे, देखना होगा कौन डालते हैं। दोनों बैट्समैन चर्चा करते हुए कुछ, भुवनेश्वर कुमार डाल रहे हैं अपना दूसरा ओवर। और ये विकेट, बड़ा विकेट, विराट कोहली को आउट किया, कैप्टन को। बहुत बड़ा विकेट है ये बेंगलोर के लिए। बेंगलोर ने अपना बड़ा विकेट गवा दिया है। देखिए, बोल्ड, क्लीन बोल्ड किया भुवनेश्वर कुमार। खुश यहाँ पर, क्योंकि 2 विकेट मिल गए हैं, बहुत बड़े विकेट हो दोनों ही। विराट कोहली 5 रन बनाए 6 बॉलों में। पृथ्वी शो आए हैं और आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं कि कौन कौन है हर टीम में, तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो आप हमारे प्रीवियस प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, ऑप्शन भी है उसमें। यहाँ पर 1 रन मिलेगा, 4 ओवर के बाद 29 पे 2। सिद्धार्थ कौल आए हैं 5 ओवर डालने के लिए। हवाई फायरिंग की कोशिश कर रहे हैं, 4 रन मिले हैं यहाँ पर। यहाँ पर शायद कैच कर सकते थे, शायद कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। एबी डिविलियर्स 22 पे हैं और ये 4 रन मिलेंगे यहाँ पर, कोई फील्डर नहीं। 41 पे 2, 5 ओवर।
अपील यहाँ पर बड़ा विकेट है ये डिविलियर्स का, क्या रिव्यू लेंगे देखना होगा। यहाँ रिव्यू लिया है डिविलियर्स ने, सही डिसीजन क्योंकि पर लेना जरूरी था। यहाँ पर इस गेम में ग्लिच हुआ है आपको दिखा होगा, तो इस साइड में लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि इन लाइन या कुछ, क्योंकि अपन रिव्यू कभी लेते हैं तो उस साइड में आता है नॉट वहाँ आउट। पर नोट आउट। दूसरी बॉल हेजलवुड की, और ये बोल्ड पिछली बॉल पे नॉट आउट रहे और इस बॉल पे बोल्ड हो गए। 27 रन बनाए, कोशिश कर रहे थे 27 को बड़े स्कोर में करने की, पर विकेट मिल गया यहाँ पर एबीडब्ल्यूएस का, क्योंकि खेल लेते 50 हो जाती तो और भी खतरनाक हो जाती है हैदराबाद के लिए। 18 बॉलों में 27 रन बनाए हैं, मनोज तिवारी आए हैं, क्या इनसे उम्मीद कर सकती है अब बेंगलोर की टीम, क्योंकि यहाँ पर रनों की जरूरत है। कोशिश हवाई फायरिंग की पर नहीं कर पाए, इस ओवर की लास्ट बॉल पावर प्ले की लास्ट बॉल है, कोशिश तो थी बाउंड्री लगाने की पर फील्डर थे वहां पर तो 2 रन मिलेंगे। 6 के बाद 45 पे 3, क्या 100 के ऊपर जा सकेगा स्कोर, 1 रन मिलेगा यहाँ पर। लास्ट बॉल इस ओवर की 1 रन, 7 के बाद 50 पे 3, कोशिश चल रही है यहाँ पर कि स्कोर को पहुंचा सके एक बड़े स्कोर तक। हेजलवुड आए हैं, शायद 4 मिलेंगे यहाँ पर, जी नहीं फील्डर हैं, 2 रन मिले, नॉट आउट है, ये पहुंच गए थे। हवाई फायरिंग की कोशिश तो चल रही है पर बाउंड्री के बाहर नहीं पहुंचा पा रहे हैं बॉल को दोनों ही खिलाड़ी। 8 के बाद 58 पे 3, वे देख लीजिए बाउंड्रीज और कहाँ कहाँ रन आए, 6 रन एक ही आए हैं वो भी एबिलियस ने मारा था। सामने मारने की कोशिश और 9 बॉल, मतलब एक बड़ा चांस है यहाँ पर बाउंड्री लगाने का, फ्री हेड है, कोशिश भी थी पर डॉट बॉल। दो रन मिलेंगे, मनोज तिवारी 15 पे हैं, ये शायद आउट, जी नहीं दूर थी फील्डर से। 2 रन, 9 के बाद 65 पे 3, चार रन बहुत देर बाद आए हैं यहाँ पर बाउंड्री। एक और बार कोशिश, और ये भी 4, बैक टू फोर्स लगाए हैं। सीधा मारने की कोशिश, 2 रन मिलेंगे, ये एक बड़ा वो निकला है। 10 के बाद 77 पे 3, अब ये पार्टनरशिप बन गई है तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा खेल रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। कोशिश, 9 बॉल, एक और 9 बॉल है ये, फ्री मिली इस पे, क्या बाउंड्री आएगी इस पे, जी नहीं पहुंच नहीं पाई बॉल, और 1 रन मिला। चार रन मिलेंगे,
फील्डर के ऊपर से। ये यहाँ पर एज लगाए और आउट, बड़ा विकेट है, पृथ्वी शो आउट हो गए हैं। एक बड़ा विकेट मिल चुका है हैदराबाद को, ना खुश होंगे ये कि गलत शॉट मारा और एज लगा और फील्डर के हाथों में। खुश यहाँ पर हैदराबाद की टीम कि चौथा विकेट मिल चुका है, सेट बैट्समैन थे और आउट हो गए हैं। मोइन अली आए हैं नए बैट्समैन, उम्मीद तो इनसे भी की जा सकती है। और ये एक और विकेट, दोनों ही सेट बैट्समैन एक ही ओवर में आउट हो गए। ये बड़ा झटका यहाँ पर बेंगलोर की टीम को कि दो विकेट एक ही ओवर में, बड़े बड़े विकेट वो भी सुंदर आए हैं। अब दोनों पिच पे ऑलराउंडर हैं, तो क्या बड़े शॉट लगा पाएंगे जी। कोशिश और आउट होते होते बचे क्योंकि फील्डर के जस्ट आई गिरी बॉल 12 के बाद 93/5। विजय शंकर अपना पहला ओवर डाल रहे हैं इस मैच का। चार रन मिलेंगे, आराम से मारा शॉट और चार रन निकाले। कोशिश और चार रन, तेजी से गई बॉल। ये एक बड़ा ओवर बन चुका है बेंगलोर के लिए, इस पे 2 रन मिलेंगे जी। नहीं, 1 रन लिया, 13 के बाद 108/5। सिद्धार्थ कौल आए हैं बॉलिंग के लिए। सीधा और 4 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट। एक और बार कोशिश पर 2 रन मिलेंगे, 14 के बाद 118/5। एक रन मिलेगा, कोशिश कर रहे हैं सुंदर। 31 पे आ चुके हैं 18 बॉलों में, 15 ओवर के बाद 123/5। कोशिश पर 2 रन ही मिलेंगे यहाँ पर। अपील हुई है, नो डाउट है। और ये विकेट बोल्ड कर दिया यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को। भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी बॉलिंग करते हुए आज, भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर बेहतरीन बॉलिंग चल रही है भुवनेश्वर कुमार की। शॉट कनेक्ट नहीं हुआ सही से और बोल्ड हो गए, पर बॉलिंग आज अच्छी चल रही है हैदराबाद की तरफ से। पर बहुत ही बढ़िया खेले आज सुंदर जी, चहलाए हैं। उम्मीद कम कर सकते हैं इनसे, पर मोइन अली हैं अभी, देखना होगा। कोशिश कर रहे हैं ये भी शॉट मारने की, पर टाइमिंग नहीं हो रही है आज सभी बैट्समैन की। मैंने देखा है 16 ओवर के बाद 130/6। बातचीत जरूरी है यहाँ पर थोड़ी, क्योंकि विकेट ज़्यादा गवा चुकी है बेंगलोर की टीम। और ये विकेट विजय शंकर को मिला है, विकेट पहला विकेट मिला विजय शंकर को। यहाँ पर बेंगलोर मुसीबत में आते हुए विकेट जा रहे हैं हर ओवर में, 6 रन बना के आउट हुए मोइन अली। मोहम्मद सिराज आए हैं, इनको मुझे लगता है कि जेल से पहले
सिराज को भेजना था। और ये सिराज 0 पे आउट हो गए। हैट्रिक बॉल है नेक्स्ट, देखना होगा क्या होता है। बैक टू विकेट्स। अब मुझे लगता है 150 का स्कोर लगाना मुश्किल होगा यहाँ पर बेंगलोर के लिए। पर ट्राई करना चाहिए अभी भी बेंगलोर को। आर्चर आए, चोपड़ा आर्चर, देखना होगा ये क्या करते हैं। डॉट बॉल 17 ओवर के बाद 132 पे 8। सिद्धार्थ कौल, अपील हुई है यहाँ पर, व्यू लेंगे क्योंकि ये मुझे लगता है बाहर पिचिंग हुई इसकी। इसमें भी है यहाँ पर थोड़ा बग है, इसको ठीक करना पड़ेगा। नोट आउट ये शंकर अपना लास्ट ओवर डाल रहे हैं। 1 रन 19 ओवर की लास्ट बॉल, 1 रन मिला। 19 ओवर के बाद 144 पे 8। लास्ट ओवर है यहाँ पर, इसमें एक बाउंड्री तो लगानी पड़ेगी। स्कोर 150 पार लगाना है तो कोशिश थी। पर विकेट, चोपड़ा आर्चर का विकेट मिला है। 8 रन बना के आउट हुए हैं 8 बॉलों में। कोशिश तो इनकी भी थी कि रन बनाए, पर बॉलर हैं अब वो भी नहीं बना सकते। उमेश यादव आ चुके हैं, 9 विकेट हो चुके हैं बेंगलोर के यहाँ पर। अब देखना होगा क्या करते हैं। पर छेल पे स्ट्राइक, कोशिश तो की और 1 रन मिलेगा। उमेश यादव पे स्ट्राइक आ चुकी है, क्या उम्मीद कर सकते हैं बाउंड्री की। और ये विकेट, कोशिश की थी पर यहाँ पर कैच दे बैठे हाथों में। और ये ऑल आउट हो चुकी है बेंगलोर की टीम। तो क्या लगता है आप, बेंगलोर जीतेगी या हारेगी, कमेंट करके बताइए हमें। और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार ने की है, 5 विकेट लिए हैं उन्होंने। हैदराबाद के ओपनर विलियमसन और डेविड वॉर्नर। पहली बॉल उमेश यादव, और ये बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। अच्छा शॉट था ये, 1 रन लेंगे यहाँ पर। अच्छा बढ़िया बैटिंग चल रही है, और 6 रन इसी के बीच। विलियमसन फॉर्म में है, 3 बॉल में 11 रन बना चुके हैं। और ये 6 2 छक्के लगातार मार दिए हैं, इस ओवर को खराब बना दिया है आज। ये 6 होंगे शायद, नहीं 4 रन। एक ओवर में 22 रन बना चुके हैं हैदराबाद की टीम। अभी मुझको लगता है यहाँ पर कि हार दिख रही होगी बेंगलोर को। वाइड बॉल, सो की लास्ट बॉल, 6 रन मिलेंगे इस पे।
बहुत ही बढ़िया शॉट विलियमसन, दौड़ के बाद 36 पे बिना किसी नुकसान के। विलियमसन पूरे फॉर्म में, कोशिश यही है कि हर बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाए। टेड वॉर्नर भी फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब 6 रन। इसी के साथ 43 की पार्टनरशिप हो गई है 17 बॉलों में। अच्छी पार्टनरशिप चल रही है इनकी, डॉट बॉल अच्छे बॉल दी है। चौथा ओवर डालते हुए यहाँ पर मोहम्मद सिराज, और पहली बॉल पे 6 रन मिलेंगे। हार की तरफ जाती हुई बेंगलोर की टीम, क्योंकि रन बहुत जल्दी से हाथों से निकल रहे हैं बेंगलोर की। चार रन मिलेंगे। इसी के 40 पे पहुंच चुके हैं विलियमसन, अपनी 50 के करीब हैं। चार अच्छी बॉल, फील्डिंग भी अच्छी उसी के साथ। 5 ओवर के बाद 62 पे 0। और ये बेहतरीन शॉट, 4 रन मिलेंगे। और इसी के साथ 50 होते हुए विलियमसन की, पहले ही मैच में 50। अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पर विलियमसन। क्या बाउंड्री आएगी इस बॉल पे? नहीं, 1 रन। चौथी बॉल, सॉरी, और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। एक रन, 8 ओवर के बाद 82। वॉशिंगटन सुंदर आए हैं बॉलिंग के लिए, और 1 रन मिलेगा यहाँ पर। अच्छी हवाई फायरिंग और 6 रन, डेविड वॉर्नर। 92 स्कोर हो गया है और अभी तक विकेट नहीं मिला है। विलियमसन 60 पे आ चुके हैं, और ये 6 रन बेहतरीन। 6 10 ओवर के बाद 90। अभी तो डॉट बॉल निकालने के बारे में सोची होगी बेंगलोर की टीम, क्योंकि विकेट ऑल आउट करने का सोचे तो 10 विकेट लेने पड़ेंगे यहाँ से, और वो मुश्किल काम है। और ये इसी के भी 6 रन, विलियमसन 74 पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको, ये मैच जीतेंगे या नहीं, कमेंट कीजिए। और ये अच्छा शॉट, 6 रन के लिए। कोई चांस नहीं फील्डर के पास कि रोक सके बॉल को। मोइन अली, 4 रन मिले यहाँ पर विलियमसन को। छेपो में, और यहाँ पर बेंगलोर का खेमा ना खुश होगा आज की बॉलिंग देख के। शायद ये विकेट थर्ड एम्पायर पे गए, ऑन फील्ड एम्पायर। और ये विकेट, जी हाँ, देखना होगा अभी स्क्रीन पे क्या आता है, आउट या नॉट आउट, पर ये आउट है। और ये पहला विकेट मिल चुका है, और भी बड़ा विकेट विलियमसन का।
85 रन बना के आउट हुए हैं। अच्छी बैटिंग की यहाँ पर आज, पार्टनरशिप भी अच्छी हुई दोनों के बीच। 13 के बाद 123 पे एक, डिफेंड करना बहुत मुश्किल यहाँ पर बेंगलोर के लिए। पर मैच में लास्ट बॉल तो कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए लास्ट बॉल देखनी होगी क्या होता है। 1 रन आया शायद विकेट, जी हाँ सीधा हाथों में दे बैठे। ये शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, क्या अच्छे बैटिंग चल रही थी, स्कोर भी अच्छा हो चुका है तो ऐसे शॉट खेलने की जरूरत नहीं है। ये गलत शॉट मारा है इन्होंने, सीधा हाथों में दे बैठे फील्डर के। शायद कमबैक करती हुई यहाँ पर बेंगलोर की टीम। 0 पे आउट हुए मनीष पांडे। 14 ओवर के बाद 124 पे 2। बावीस रन चाहिए यहाँ पर 33 बोलों में, और ये 2 रन लिए हैं शायद रन आउट, जी नहीं नॉट आउट रहेंगे। 15 के बाद 127 पे 2। और ये खराब बॉल और 4 रन मिलेंगे। स्पिनर की अच्छी बॉलिंग रही है आज, फास्ट बॉलर की तो धुलाई हो रही थी आज। 4 ओवर बाकी रहते हैं यहाँ से, देखना होगा क्या होता है। 4 ओवर बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए। डॉट बॉल 12 बॉलों में 8 रन चाहिए अभी। क्या मैच लास्ट बॉल तक जाएगा या इस ओवर में खत्म हो जाएगा मैच, देखना होगा क्या होता है। मनीष पांडे पे स्ट्राइक, 1 रन लिया यहाँ पर, अच्छी सोच है क्योंकि रन कम चाहिए बोले ज्यादा है, आराम से 1 रन लेके कोशिश कर सकते क्योंकि हवाई फायरिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पर। 1 रन लेंगे यहाँ पर, 10 बॉलों में 6 रन की जरूरत। कौन जीतेगा मैच? पांच रन 9 बोले। देख सकते हैं इन खिलाड़ियों को कितनी जल्दी है इन्हें डिसीजन की कि क्या आता है मैच का रिजल्ट। ये गलत पर नॉट आउट रहेंगे क्योंकि कैच नहीं कर पाए। विराट कोहली फील्डिंग सेट करते हुए, टीम के कैप्टन। एक रन यहाँ पर, एक एक रन बहुत कीमती है। 6 बॉल 3 रन, स्टार्टिंग में लग नहीं रहा था लास्ट ओवर तक मैच जाएगा, लास्ट ओवर तक लाई है बेंगलोर इस मैच को, देखना होगा क्या होता है। 1 रन लिया, 2 रन की जरूरत 3 बॉलों में। पाँव में डाली थी बॉल और फील्डर से आगे गिरी और 1 रन मिलेगा। 1 बॉल 2 बॉल 1 रन, डॉट बॉल बहुत ही बेहतरीन बॉल फील्डरों को पास में बुलाते हुए, क्योंकि 1 रन की जरूरत है 1 बॉल में, देखना होगा क्या होता है। और मैच टाई हो चुका है और सुपर ओवर होगा यहाँ पर, पहले ही मैच में सुपर ओवर यहाँ पर बेंगलोर की तरफ से आ चुके हैं अपने खिलाड़ी एबी डिविलियर्स और सामने वेन लुइस, देखना होता है क्या होगा। कोशिश हवाई फायरिंग की पर नहीं, 2 बॉल डॉट निकल चुकी है, क्या इस बॉल पे हवाई फायरिंग करेंगे?
और ये विकेट। यहां पर 3 बॉल वेस्ट चली गई है। विराट कोहली आए, यहां पर बाउंड्री की जरूरत है। ये 4 रन मिले हैं यहां पर, बहुत ही बढ़िया। 5वीं बॉल, इस पे भी 4। अच्छा है यहां पर, क्या बाउंड्री है ये? नहीं, 2 रन मिलेंगे। इसी के साथ 11 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए हैदराबाद को। क्या होता है देखना होगा। विलियमसन और सामने है डेविड वॉर्नर। उम्मीद तो कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी अच्छी पारी खेल के गए हैं। डॉट बॉल, अच्छी बॉलिंग चलते हुए जोफ्रा आर्चर की तरफ से। ये वाइड बॉल, पर ये होनी नहीं थी वाइड बॉल क्योंकि अंदर थी ये बॉल, पर एम्पायर ने वाइड बॉल दी इसको। अच्छी बॉलिंग चलते हुए यहाँ पर आर्चर की तरफ से, और ये विकेट मिला है। जी हाँ, विकेट, बड़ा विकेट। यहाँ पर विकेट की जरूरत थी, विकेट के साथ एक डॉट बॉल भी लिख लिया तो वो इम्पोर्टेंट है। विलियमसन आउट हो गए हैं, उनसे ही उम्मीद कर रहे थे कि वो जीता देंगे एक दो दो शॉट मार के, वो ही आउट हो गए। तो अब देखना होगा क्या होता है इन 3 बॉलों में। अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग भी अच्छी, खतरनाक बॉलिंग हो रही है आर्चर की तरफ से। ये हवाई फायरिंग पर फील्डर पर आ गए थे फील्डर, 4 रन मिले। इस पे 6 रनों की जरूरत है यहाँ पर, और नो ये मैच जीत लिया है बेंगलोर ने। और आ चुकी है बेंगलोर टॉप पे पॉइंट टेबल में। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे हम, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।